अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक जोर चला दो। जितेश, हितेश, गुड इवनिंग का लिख रहा है तू लोग बाबू? जितेश अभी गुड इवनिंग थोड़े हुआ है, गुड आफ्टरनून। यूपीएससी के लिए कौन सा किताब पढ़े? डीएसएल। राजीव गुप्ता का नाम लीजिएगा सर, ले लिया राजीव गुप्ता। बफरिंग कर रहा है सर, नेटवर्क चेक करो। कभी कमेंट्स भी देख लिया कीजिए सर, देख तो रहा हूँ सर। ऑनलाइन वाले का को भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान है बेटा तुम लोग पर, ठीक है? सॉरी सर, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, आप सब न्यू हो, मैं भी आपके लिए नया ही हूँ। देखो इसमें मम्मी का कॉल आ रहा है मेरा, ठीक है? मुख्तार, आई कैन राइट इंग्लिश सर, मेरा नाम कभी नहीं लिए हैं। बीरेंद्र पटेल, कभी कभी लेना पड़ता है बेटा इन लोग का नाम जो है, आज इसीलिए चश्मा दूसरा लेकर आया हूँ, जो कि एकदम जितना मतलब इतना स्मॉलेस्ट है ना कि दिखाई नहीं पड़ता। आलोक कुमार है ना, पूजा, मनीष, धर्मेंद्र भी नाम का लड़का है, धर्मेंद्र है ना, सूर्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। प्रियंका गुप्ता कैसी हो? रोशनी, संस्कृति, राजेंद्र, चलिए बहुत अच्छा। प्रांजल, स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर बीच में आऊंगा, चिंता ना करो। ये अलग अलग वैरायटी का चश्मा है, समझ गया? एक इसमें थोड़ा ज़्यादा लेंस लगा हुआ है ताकि पढ़ पाए इसको, ठीक है ना? तुम लोग इतना क्यों परेशान होता है? कहाँ तक लास्ट हुआ था बच्चे? हाँ, नाउन ऑफन कन्फ्यूज है ना, चलिए। तो नाउन्स ऑफन कन्फ्यूज, तो आज सबसे पहला काम नाउन पे करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो पहले लास्ट दिखाएं कहाँ तक हुआ था? अच्छा वो लास्ट हुआ था ना, चलिए अगला पॉइंट। यही लास्ट हुआ था है ना, और हमने कहा था कि यहीं तक आपको लिखना है, शेड शैडो है ना, अब यहां से हम लोग को आगे बढ़ना है। अब समझिए गौर से, अभी लिखना नहीं है, समझना पहले है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता, समझना है। अब है क्या चीज, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स से वर्क, डब्ल्यू ओ आर, क्वेश्चन में आया होगा वर्क, याद आ रहा है? जैसे मैं कहूं आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, तो पता क्या गलत हो जाएगा वो, क्योंकि लॉट ऑफ के बाद वर्क्स नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है तो वर्क्स नहीं होगा। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, सिंगुलर पढ़ा दिया, कुछ ऐसे होते हैं जन्मजात होते हैं, प्लूरल, वो पढ़ा दिया। कल हमने पढ़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता, जैसे हैबिट और कस्टम में क्या अंतर है, याद आ रहा है? तो वहां से हम आगे बढ़ते हैं, और अगला कन्फ्यूजिंग नाउन ही शुरू है, अभी कन्फ्यूज समाप्त नहीं हुआ है, पॉइंट नंबर टू है ये। और वो एक कहता है कि जैसे मैनर और मैनर्स में क्या अंतर है, बस मेरे गुड और गुड्स में क्या अंतर है ना, वाटर और वाटर्स में क्या अंतर है, वुड और वुड्स में क्या अंतर है, जैसे वुड मतलब जंग, वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल, सैंड का मतलब रेत और सैंड्स का मतलब रेगिस्तान, वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र, नाउन है तो, वरना वाटर तो भर भी है, जैसे गार्डनर आर वाटरिंग द प्लांट्स, तो वाटरिंग वहाँ भर भी हो गया। तो होता क्या है ना, इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल छोटा सा है, और उसी में हम लोगों को वैरायटी चेंज करके वही वर्ड नाउन, वही नाउन वर्ब, वही चीज़
बस समझ पा रहा हूँ ना, तो वेराइटी है। तो वही अगला कॉन्सेप्ट कर रहा है कि सम ऑफ द नाउन्स आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। यानी सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से वो सिंगुलर प्लूरल बदला जाएगा। जैसे मैनर का मतलब तरीका होता है और मैनर्स का मतलब बिहेवियर्स होता है, आचार व्यवहार। अंग्रेजी भी लिख दिया हूँ, हिंदी भी लिख दिया हूँ, ठीक है। गुड का मतलब लाभ भी, गुड एडजेक्टिव हुआ तो अच्छा भी होगा, और गुड्स का मतलब सामान आर्टिकल्स। बस समझ पा रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट एडवाइस का मतलब सलाह और एडवाइसेज का मतलब सूचनाएं इंफॉर्मेशंस। देख पा रहे हो? तो ये आपको जब मान लो कि सेंटेंस में एडवाइसेज का प्रयोग किया गया, तो अब देखिए कि हिंदी अगर सलाह निकल रहा है तो प्लूरल नहीं होगा, अगर सूचनाएं हो रहा है तो एडवाइसेज सही होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही एक दिमाग काम करेगा। जैसे टेस्ट में ये वर्ड आया होगा, चाहे आएगा आगे, ठीक ना, तो ये सब टेस्ट में आपको आता है। अब्यूज का मतलब, मान लो किसने कहा देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी, सेंटेंस दिया देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी। अब लड़का अब्यूज का हिंदी जानता है गाली, तो उसने हिंदी निकाल दिया, हमारे समाज में बहुत गालियां हैं, हमारे समाज में बहुत गालियां हैं। अब अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? तो ये थोड़ा सा मीनिंगलेस हो गया, है ना। अब उसको पता होता कि अब्यूजेस, देखो यहाँ लिखा है अब्यूजेस का मतलब कुरीतियाँ होता है, कुरीतियाँ का मतलब होता है बैड, बुरी बात, मतलब बैड मैनर्स, है ना। तो कुरीतियाँ मतलब बैड कस्टम, बुरी आदतें। तो हमारे समाज में बुरी आदतें हैं, कुरीतियाँ हैं, सोशल एबिल्स हैं, उसको हम लोग एब्यूजेस कहते हैं। तो एब्यूज का मतलब गाली और एब्यूज का मतलब सोशल एबिल्स। बात समझ पा रहे हो ना? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, एक कॉन्सेप्ट हो गया और इसे एग्जाम्पल हो गए। सम ऑफ द नाउन्स, अब चाहो तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ सकते हो, सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज्ड, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दो, विच आर यूज, सम ऑफ द नाउन्स विच, ऐसे कर, सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सम ऑफ द नाउन्स विच आर यूज आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Some of the nouns which are used either in singular or in plural according to the sense or meaning of the sentence. ठीक है, सिंगुलर में पहला शब्द है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, वे, वे मतलब तरीका, और मैनर्स मतलब बिहेवियर, आचार व्यवहार। अंग्रेजी भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है, ताकि हर बच्चे समझेंगे। गुड का मतलब एडवांटेज, लाभ, अच्छा भी लिख सकते हैं एडजेक्टिव में, और गुड्स का मतलब सामान, सामान को आर्टिकल्स भी कहते हैं। एडवाइस का मतलब सलाह, सजेशन। एडवाइसेज का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। एयर का मतलब हवा, एटमोस्फेरिक गैस को एयर कहते हैं। एयर्स का मतलब फॉल्स बिहेवियर, घमंड, है ना, कहीं लिखा मिलेगा ही इज फुल ऑफ एयर्स, मतलब हवा से भरा हुआ, मत कहना उसको। हाँ, आराम से स्पेलिंग कहीं दिक्कत हुआ पूछ लेना। दोनों साथ साथ लिखना बेटा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। मान लो मैनर में लिख दिया गुड्स और एडवाइस में लिख दिया एयर, तो गलत हो जाएगा। दोनों साथ साथ लिखिएगा, एक एक अक्षर। आचार व्यवहार ठीक तो लिखा है पहला ना, आचार व्यवहार भाषा है, हिंदी का भाषा है, हिंदी भी जानना चाहिए तुमको। है आचार व्यवहार बोलते हैं।
जहां तक दिख रहा है आराम से लिखिए, फिर ऊपर करूंगा आराम से। ठीक है, समझाता भी रहूंगा धीरे धीरे हैं। अब देखिए, पहला वर्ड था एडवाइस, एयर हो गया। एयर का मतलब एटमोस्फेरिक गैस, हवा, और एयर्स का मतलब घमंड, फॉल्स बिहेवियर, कोई घमंड से चूर है। अब्यूज का मतलब गाली, इंडिकेंट वर्ड, इंडिकेट का मतलब सब होता है गाली, और अब्यूजर्स का मतलब कुटितियां नहीं, कुरीतियां। सोशल बैड कस्टम, सोशल इविल्स भी कह सकते हैं। अल्फावेट कहते हैं वर्णमाला को, अल्फावेट्स का मतलब भाषाएं, एग्जाम में 2-3 बार पूछा है, दे दिया क्वेश्चन, पता है कि देयर आर 26 अल्फावेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, गलत हो गया, अल्फावेट्स कर दिया उसने, तो लगों वाला 26 तो है ही, मार दिया, नो एरर, है ना, 26 अल्फावेट है, अल्फावेट्स नहीं है, ठीक है ना। अमेंड का मतलब संशोधन, अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। रिगार्ड, आदर सम्मान, रिस्पेक्ट। रिगार्ड्स का मतलब शुभकामनाएं, विशेष, विथ रिगार्ड्स बोलते हो ना, वही शुभकामनाएं वाला है, विथ रिगार्ड्स। बहुत ही बेसिक है अभी तो। अभी ऊपर करूंगा, आराम आराम से लिखते रहिए। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स जंगल, रिगार्ड आदर रिस्पेक्ट, रिगार्ड शुभकामनाएं, क्वार्टर 1/4, 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर्स रहने का स्थान, रेसिडेंस को कहते हैं। पेन का मतलब दर्द, सफरिंग, पेन्स तकलीफ, ट्रबल। अब देखिए, तकलीफ और सफरिंग और ट्रबल में अंतर समझना पड़ेगा आपको, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, समझा दूंगा। कस्टम रीति रिवाज, और कस्टम्स मतलब टैक्स, एस लगा देंगे तो टैक्स हो जाएगा। वर्क का मतलब काम, और वर्क्स मतलब रचनाएं, रचनाएं समझते हो, जैसे कोई काव्य लिखता है ना, कोई कवि वगैरह, उसको रचनाएं बोलते हैं। अभी वर्क को अलग से पढ़ाऊंगा, आएगा दोबारा आएगा वर्क। रिटर्न का मतलब वापस, रिटर्न्स का मतलब लाभ, प्रॉफिट। नाउन बहुत पढ़ना है, नाउन में थोड़ा जो है ना बड़ा क्लास होता है।
पेन, पेन का मतलब हुआ दर्द, सफरिंग। अब पेन तकलीफ, समझाता हूँ क्या होता है। जैसे तुम कहाँ से आते हो? नहीं नहीं अभी कहाँ से आते हो? अभी मान लो तुम जीटी नगर से आते हो, कल्पना कर लो। अब ऑटो में बैठ गया, ऑटो में बैठने का स्थान था 5 लोगों को, बिठा दिया 10 लोग, तो तुम क्या किए, सफ़र किए। तुमको कभी इधर चाँप दिया, उधर चाँप दिया, इधर दर्द उधर होता ही नहीं होता कभी समटाइम्स। तो तुम्हें क्या किया, सफ़र किया कितने देर, 10-15 मिनट तक, जब तक तुम बत्रा पे पहुंचा नहीं। अभी पेंस का मतलब क्या हुआ, तकलीफ। अब तकलीफ क्या होता है, ट्रबल। जैसे किसी के छाती में अटैक पेन उठ गया तो दर्द हो गया, तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर पास जाएगा। अब उसको पेन जब तक इंजेक्शन नहीं लगा दर्द होता रहेगा, तो हो गया तकलीफ। तुमको तकलीफ नहीं है भाई, तुम अपनी सुविधा के लिए आ रहे हो, तकलीफ क्या है उसमें, थोड़ा सा कष्ट हुआ मतलब झेल लिया उसको। और ये क्या हुआ, उंगली कट गया, ये पेन्स हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। बस मत को ये भी एग्जाम्पल आगे आएगा कराऊंगा। अगर देखो कहाँ तक आ गए, पेन्स तक आ गए। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, कल एग्जाम्पल दिया था ना जी, तो ये रीति रिवाज हो गया हैबिट। कस्टम का सेकंड नाम हैबिट है, और कस्टम में एस लगा दिया तो टैक्स, कस्टम्स, कस्टम्स ड्यूटी सुना होगा। वर्क का मतलब काम, वर्क रचना है। रिटर्न का मतलब वापस, और रिटर्न्स प्रॉफिट। जैसे किसी को 100 रुपया दिया और तुम चाह रहे हो 110 रुपया, तो क्या चाह रहे हो, तुम लाभ चाह रहे हो, 10 रुपया प्रॉफिट चाह रहे हो, तो उसको रिटर्न्स बोलना। रिटर्न्स क्या मिलेगा, बोलते हैं ना, रिटर्न्स क्या है इसका मतलब, लाभ क्या है। वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र। सैंड का मतलब बालू, सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। एसेट का मतलब गुण, एसेट्स का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, एसेट्स हमेशा बोलते हैं उसका एसेट्स है, इतना मतलब प्रॉपर्टी है। आर्म का मतलब बाह, और आर्म्स मतलब हथियार, वेपन्स। बीफ का मतलब गोमांस, फ्लेश ऑफ काऊ, वाटर नहीं, फ्लेश ऑफ वाटर, फ्लेश ऑफ काऊ करते हैं इसको, है ना। अभी ऊपर करूँगा, लिख दूंगा उसको। हाँ बीफ गोमांस पे तौर भी इसका डिक्शनरी में देखो तो भर हुए में कुछ मीनिंग चेंज हो सकता है। सबको बीफ ही बोलते हैं। नहीं फ्लेश ऑफ वाटर नहीं होगा, फ्लेश का मतलब मांस होता है, ऑफ वाटर हटा देना वहाँ। ठीक है, मतलब रंग, कलर का मतलब रंग, और कलर्स का मतलब फ्लैग, झंडा। फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट्स मतलब परिणाम, रिजल्ट्स। है ना, फ्रूट्स मतलब रिजल्ट। फोर्स ताकत, फोर्सेस सेनाएं। पेन आ ही गया, फिजिकल सफरिंग, पेन्स तकलीफ, वही वाला जो ऊपर दिखा है ना उसी को है। पेंस का मतलब एफर्ट भी होता है। ठीक है, उतार ले यहां तक।
पेन का फिर समझ लीजिए, जैसे छाती में दर्द होगा ना बेटा, तो उसको पेन बोलेंगे, फिजिकल सफरिंग। बहुत चीज़ हिंदी से क्लियर नहीं होता है, तो फिजिकल सफरिंग का मतलब हुआ कि जो जैसे उंगली कट गया तो पेन है, और पेन्स का मतलब जो बताया तुमको, झेलना, मतलब ग्रेट अफर्ट, जो अफर्ट करते हैं वो पेन्स कहलाता है। हाँ, कैटल का मतलब होता है जानवरों का झुंड, और बीव्स का मतलब जैसे गाय बछड़ा किसी ग्रुप के झुंड को बोल, दो सेम ही चीज़ है लगभग। हाँ, उसी का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देंगे एक दो चीज़ का, इसका एक दो एग्जाम हटा दूँ। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क। अब देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आई एम डूइंग द हाउस वर्क, हुआ कि वर्क होगा, एग्जाम्पल अलग है जी। एग्जाम्पल यहाँ से नीचे आ जाएगा, दो एग्जाम्पल यहाँ से आई लाइक, एक एग्जाम्पल यहाँ तक है वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क, वर्क नहीं होगा। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, ठीक है, वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क आई लाइक, ठीक है, पूरा सुनने से फिर यहाँ से कॉमा लगा देना फिर, ठीक है। While I am doing the houseworks, works नहीं होगा, क्या होगा? I like to listen to music on the radio. दूसरा है he is feeling severe pains in his chest. तो यहाँ पे pains नहीं होना चाहिए था, क्योंकि he is feeling severe pain in his chest. Physical suffering, है ना? तो in his chest, उसके छाती में सीवियर बहुत भयानक दर्द हुआ, तो पेन का मतलब क्या हुआ? दर्द। क्या बेटा? रेडियो क्या एक्सप्लेन करना, बज रहा गाना। अच्छा, रेडियो गलत स्पेलिंग है, आर ए डी आई ओ, ए आई यहां आना चाहिए था, टाइपिस्ट को लगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वी हैव इनवाइटेड 30 पीपल्स टू आवर पार्टी, पीपल तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक क्लास चल रहा है, आगे बढ़े हम लोग। अभी एक क्वेश्चन आया होगा ब्रदर का, ब्रदर्स और ब्रेदरिन वाला, याद आ रहा है? जैसे हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदर्स या ब्रेदरिन? ब्रेदरिन। आई हैव फोर ब्रेदरिन या फोर ब्रदर्स? ब्रदर्स। इसका मतलब हुआ कि ब्रदर का दो प्लूरल, एक ब्रदर्स और एक ब्रेदरिन। तो अगला कॉन्सेप्ट वही शुरू हो रहा है, हॉट टिप्स। अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है हॉट टिप्स, हेडी बनाइए हॉट टिप्स। नहीं लिखा अभी, लिखो 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 लिखो, मुझे लगा तुम लिख लिया, अब कहाँ थे अभी? लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। किसी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए जी, है ना? यहाँ पे गलती समझ में आ गया था ना, यहाँ पे वर्क हो जाएगा, यहाँ पेन हो जाएगा और यहाँ पीपल हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, सही कर दीजिएगा ये सटा करके। ये सारे क्लास फैक्चुअल हो रहे हैं अभी, अभी क्लास पढ़ा नहीं रहा, फिर समझिए, आराम समझा रहा हूं। देखो कुछ चीज को ना अंग्रेजी में समझ जाता आता है ना, हिंदी में लिखा जाता है, झेलना समझ नहीं आता। देखो क्या है, फिजिकल, क्या लिखा था ऊपर में? फिजिकल, फिजिकल प्रॉब्लम है ना, डिसकम्फर्ट। जिस क्या होता है, जैसे मान लो आपके उंगली कट गया, तो कट गया तो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब तकलीफ। जो समझाया एग्जांपल में इसको, देखो आप कैंप से आ रहे हो तो आप लटक के बटक के आ गए, तो वो आपको ट्रबल हुआ, पेन्स हो गया वो, ठीक ना? और पेन का मतलब फिजिकल पेन, वही एग्जाम्पल था, ही इज फीलिंग सीवियर पेन इन हिज चेस्ट, उसके छाती में सीवियर पेन हुआ है,
सीवियर दर्द हुआ। ठीक है, उतार लिया तक, आगे बढ़े आप। हेडिंग बनाइए हॉट टिप्स, बहुत आसान है, देखो अभी फैक्चुअल क्लास आ रहा है। हेडिंग क्या बनेगा जी? हॉट टिप्स। हॉट टिप्स क्या है भाई? तो पहला वर्ड है ब्रदर, अब समझते रहना, लिखते रहना है। अब ब्रदर का प्लूरल दो, एक ब्रदर्स और एक ब्रेदरिन। ब्रदर्स का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, ब्रदर का हिंदी होता है भाई। ब्रदर्स का मतलब अपना भाई, ब्लड रिलेशन। जैसे आपके चार पांच भाई हैं, तो ये अब ध्यान देना कि चाचा माचा ताऊ बाऊ जितने भाई होते हैं सबको ब्रदर्स ही बोलना। कोई जरूरी नहीं कि एक ही पेरेंट्स हो, बहुत सारी किताब में लिखा होता है सेम पेरेंट्स, गलत लिखा होता है, सेम पेरेंट्स नहीं होता। चाचा के भाई को ही ब्रदर्स ही बोलेंगे, ब्लड रिलेशन जिनसे जिनके साथ है उनको क्या बोलेंगे? ब्रदर्स। और जिनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं हो, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हो, समाज का भाईचारा हो, तो इसका मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारा को बोलेंगे ब्रेदरिन। एग्जाम्पल दिया, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरिन। अब कभी कभी एग्जामिनर और टाइट हो गया है, ब्रेदरिन में चुपके से डाल देगा एस, क्या डाल देगा? एस। अब आप इतना दिमाग डालोगे नहीं, ब्रेदरिन ठीक ही लिखा है, एक मतलब आपका आई कितना शार्प है ये चेक करता है एग्जामिनर, तो एस नहीं लगेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ब्रेदरिन ही होगा, ब्रेदरिन्स नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला लिखिए, फिर दूसरे पे आता हूं। अभी नीचे वाला समझ में कम आएगा, थोड़ा ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग किया गया है। पहले पहला लिख दिया, ब्रदर हो गया पूरा। चलिए आराम आराम से लिखिए, अक्षर बना बना करके, गड़बड़ नहीं हो तो घर पे नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो ब्रदर हुआ क्लियर बचा? तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी और ब्रदरन भी, ब्लड रिलेशन, अपना भाई को बोलेंगे ब्रदर्स और भाईचारा को बोलेंगे ब्रदरन, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। अब नीचे आते हैं, दूसरा वर्ड कहता है हम लोगों का वो है कविता। अब कविता किसी लड़की का नाम नहीं है, कविता जो गाते हैं पढ़ते हैं। अब कविता का दो अंग्रेजी, पोएट्री भी और पोएम भी, दोनों अंग्रेजी है, राइट? अब दो अंग्रेजी है, दोनों का यूज क्या है? तो जो पोएट्री है ना वो आजीवन सिंगुलर है, तो लिखा गया इट इज अनकाउंटेबल, यूज होगा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, यूसी मतलब अनकाउंटेबल और एस मतलब सिंगुलर नाउन। तो जो पोएट्री है वो क्या है जी? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। आप चाहो तो लंबा लिखें, नॉट ए एन, मतलब इसके साथ ए एन का प्रयोग मत करना, नॉट एस ई एस, एस या ई एस, इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग भी नहीं करना। यानी कि पोएट्री के साथ ना तो ए एन लगता है ना एस या ई एस लगता है। जैसे सर हमने कहा कि आई हैव स्टडीड या आई हैव रेड पोएट, आई हैव रेड टू पोएट्रीज, टू पोएट्रीज, तो गलत हो गया। आई हैव रेड अ पोएट्री, वो भी गलत हो गया। तो ना तो अ पोएट्री होगा ना पोएट्रीज होगा, क्लियर आ जाइए पोएम में। इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी पोएम जो है वो सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल है। इसके साथ ए एन का प्रयोग कर सकते हो, एस या ई एस लगा सकते हो, यानी टेक, टेक मतलब लेता है, क्या लेता है जी? क्या लेता है? ऐसे जैसे हमने कहा हमने दो पोएम पढ़ा, तो आई हैव रेड टू पोएम की पोएम्स, तो टू पोएम्स, आई हैव रेड अ पोएम ये भी सही है, आई हैव रेड अ पोएम ये भी सही है, टू पोएम्स ये भी सही है, लेकिन पोएट्री में ए एन का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव रेड अ पोएट्री गलत, आई हैव रेड टू पोएट्रीज गलत। समझाया नहीं बेटा? क्या है ना, कविता का दो अंग्रेजी, एक पोएट्री एक पोएम। ये पोएट्री वर्ड जो है ना ये आजीवन अनकाउंटेबल है,
सिंधी हम पढ़ा रहे हैं पोएम, तो सिंधी देख रहा है। पहले कविता की बात करो ना, तो पोएट्री पोएम समझ में आ गया, लिख लिया इसको। अब नीचे कहूँगा तो लिखना, ऊपर लिख लो। पहले कविता लिखिए ना आप, लंबा लिखिएगा पूरा। क्या लिखेंगे पोएट्री में? इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, नॉट ए, शॉर्ट लिख दिया हूं ताकि लंबा लिखना पड़े, नॉट ए एन ए सी एस। इसका मतलब हुआ इसके साथ ना तो ए एन लगेगा और ना ही एस या एस लगेगा। उसी प्रकार पोएम में कहा इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टेक मतलब लेगा, ए एन और ए सी एस। हो गया जी। अब देखिए आज ये दृश्य में, दृश्य का अंग्रेजी हुआ सीनरी भी हुआ और सीन भी हुआ। तो सीनरी में फिर से एक बार होगा इट इज सेम चीज है, दोनों सेम है। अगर इसमें गलती हो गया तो यहाँ पे यूसी जोड़ना पड़ेगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, यहाँ पे जोड़ दीजिए इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, नॉट एन नॉट ए सी एस, यानी इसके साथ ना तो एन आएगा ना ही एस या एस आएगा। सीन में सेम चीज हो गया इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टेक ए एन और ए सी एस। तो दृश्य और कविता में अंतर नहीं है, दोनों सेम रूल में काम कर रहा है, मुद्रा भी सेम काम कर रहा है। मनी क्या जोड़ोगे? इट इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, नॉट ए एन ए सी एस। रूपी मुद्रा के रूपी भी होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टेक ए एन और ए सी एस, यानी तीनों नाउन सेम है ना, कविता भी दृश्य भी और मुद्रा भी। ये सब फैक्चुअल है, डेली लाइफ में काम आएगा डेली, और ये सब याद कर लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन बिखरा पड़ा रहेगा। अब जो टेस्ट ले रहा हूं ना डेली, उस टेस्ट में हर क्वेश्चन आपको दिखेगा। आज टेस्ट देखता हूं, टाइम मिलेगा तो टेस्ट ले लूंगा। हर दिन टेस्ट आप देते रहिए, पेज टेस्ट का मिला आज नहीं मिला है? हाँ, तो टेस्ट हर दिन संभाल रखिए। टोटल आज करीब 10-15 टेस्ट हो गया होगा आप सबों का, 10वां मिला है, 11वां मिला। हाँ, तो टेस्ट हर दिन संभाल रखिए, टेस्ट खोना नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया गया है, मेनी मनी। अब मनी क्या है बेटा, उसमें और से। अब देखिए मेनी, मेनी का प्रयोग आता है काउंटेबल के लिए। अब काउंटेबल और मनी क्या है तुम्हारा? अनकाउंटेबल। तो मेनी आता है काउंटेबल के लिए, मनी अनकाउंटेबल, झगड़ा नहीं हो जाएगा? सेम चाहिए तो क्लब क्रॉस हो गया। तो मेनी के साथ रूपी, रूपी क्या काउंटेबल है, मेनी भी आता है काउंटेबल में, तो मेनी रूपीज हो सकता है। ठीक है, मच रुपीज। अब रुपीज आता है किसके लिए? काउंटेबल के लिए। और मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, झगड़ा। मच मनी हो सकता है, क्योंकि मच भी अनकाउंटेबल और मनी भी अनकाउंटेबल। ठीक है, लिखते रहिए, समझाने का काम मेरा है, आराम से। एक एक पार्ट को इस बार पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है, हर बच्चे को बीच एग्जाम्पल में लिख दिया हूं ताकि किसी गड़बड़ ना हो। पिछले किसी बैच में इस तरह से नहीं पढ़ाया गया है।
ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड है पेपर। अब एक पेपर कागज, पेपर का हिंदी, अब देखो यहां समझना पड़ेगा, पेपर का हिंदी यदि कागज निकल रहा है तो वो आजीवन क्या होगा, भर भी क्या लेगा, कागज सिंगुलर होगा। अब वही तुम बोले तो पेपर्स, तो उसका हिंदी होता है डॉक्यूमेंट्स, हिंदी क्या हुआ सर, कागजात। अब कागजात बोलो कागज थोड़े है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो डॉक्यूमेंट नहीं होता डॉक्यूमेंट्स, और वो क्या हो जाएगा, वर्ब का लगेगा। यहाँ है पेपर इज कॉस्टली, मतलब कागज की बात कर रहा है। यहाँ वेयर आर योर पेपर्स, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, समझ पा रहे हो ना। तो पेपर इज कॉस्टली, कागज महंगा है ना, इस पेपर्स का क्या वैल्यू किसी के लिए। अब तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम पूरे 12 से लेकर अभी तक ले आओ, 25 ग्राम भी नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति को क्या मतलब उससे, है ना, तुम्हारे लिए अमूल्य है। लिखते जाइए, आराम से समझाता जाऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल इस बार दिमाग पूरा काम करेगा आप लोगों का, अलग तरह कॉन्सेप्ट आ रहा है। ऊपर करूं थोड़ा थोड़ा, बोल देना ठीक ना, केयर तक, नीचे करूं, नीचे लो ना, लिखो आराम से लिखो, कोई बात नहीं। किसमें, अभी रुको ना, केयर में आ गया, पेशेंस रखो, आऊंगा केयर में आऊंगा, पेपर हो गया ना, बस आराम से सबको लिख दीजिए, धीरे धीरे सारे बच्चे आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक एक वर्ड समझाऊंगा, चिंता ना करिए। अब केयर में आ जाएं, देखिए अब केयर कहता है, केयर का दो हिंदी बताए, डोंट केयर बोलते हो, केयर का मतलब देखभाल। अब केयर का हिंदी यदि देखभाल निकल रहा है तो आजीवन, भर भी सिंगुलर। अब केयर को तुमने केयर्स कह दिया तो हो जाएगा चिंताएं, हिंदी क्या हो जाएगा, चिंताएं, वो हो जाएगा चिताएं नहीं चिंताएं, तो हो जाएगा प्लूरल, भर भी क्या लेगा, प्लूरल। क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लगा, द केयर ऑफ चिल्ड्रेन, अब बच्चों की चिंताएं की देखभाल, देखभाल, तो यहां पे देखभाल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इज। अब देखिए केयर्स नेवर कम अलोन, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, तो क्या कर दूं, कम्स कर दूं, अच्छी बात, खड़े रहो, नाम बताओ, अच्छी बात, ये बताओ कि गो सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, तो कम सिंगुलर की प्लूरल, समझ में गया, बैठ जाओ, यानी केयर्स क्या है जी, प्लूरल, तो भर भी क्या लगेगा, प्लूरल, तो केयर्स नेवर कम अलोन, अगर कम्स होता तब क्या होता, गलत हो जाता, इसी को कॉमन एरर्स कहते हैं। केयर्स कहीं दो चिंताएं कभी नहीं आती अकेले, है ना, चिंताएं कभी अकेले नहीं आती, हमेशा दो तीन टेंशन और लेकर के आती है, तो केयर्स नेवर कम अलोन, ठीक है, समझ में आ गया। अगला वर्ड समझ लो, लगे हाथ,
वर्ड, वर्ड का मतलब वचन या जुबान, नहीं दो, हाँ ठीक है, वर्ड का मतलब वचन या जुबान। तो वर्ड जैसी गिव्स मी या वर्ड, उसने मुझे जुबान दिया है, मतलब काट के नहीं, मतलब वर्ड दिया है, बोलते ना वच बात का वैल्यू नहीं है वो बात है, तो वचन या जुबान। तो वर्ड सिंगुलर हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, वर्ड का मतलब शब्द, जैसे राम, आर ए एम इज अ वर्ड, शब्दों वर्ड्स, राम मोहन सीता दीज आर वर्ड्स, ठीक है। कहाँ ये लगा दिया, तो अनकाउंटेबल कहाँ लिखा हुआ यहाँ पे, कहाँ अनकाउंटेबल लिखा है, अनकाउंटेबल कहाँ लिखा कहीं, ये कौन कह दिया तुमको, अगर अनकाउंटेबल होता तो ये वर्ड कैसे आता, जुवान, जुवान अनकाउंटेबल, एक जवान दिया उसने, एक वादा कर दिया कि मैं तुम्हें ये काम करूंगा, है ना। ये शब्द ए भी सिंगुलर है तुम्हारा, ए प्लूरल है तुम्हारा, ठीक ना। अरे बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है, ये फैक्ट है, तुमको जानना चाहिए सब चीज, नहीं तो एग्जाम में नंबर कम मिलेगा। आगे बढ़े जी, वर्ड से लिखते रहो, फटाफट लिखते रहिए, एग्जाम्पल जरूरत पर नीचे डाल दीजिए, और जैसे एरो खींच के बना रहा हूँ तुम भी एरो खींचो ऐसे ही, कॉपी की बचत मत करो, पूरा कॉपी वेस्ट करो, पूरा मतलब यूज करो, वेस्ट मतलब है ना, प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, देखिए आगे आ जाइए, अब ये कितना सुंदर वर्ड है, इशू, नीचे करूं, लो 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 नीचे आ जाओ, आराम आराम से लिखिए सारे बच्चे, बहुत ही आराम आराम से चलने वाला एकमात्र बैच है। ठीक है, इशू पे आ जाएं। अब देखिए इशू आ गया, अब इशू क्या समझिए बढ़िया से इसको, इशू तीन शब्द लिखा हमने, एक लिखा ध्यान दीजिए, एक लिखा इशू आई डबल एस, इशु का हिंदी हुआ बाल बच्चा, ठीक है बेटा, तो इशु हो गया सिंगुलर, अगर बाल बच्चा हिंदी क्या हो गया सिंगुलर। अब लालू हैज हिम इशू, नहीं नाइन इशू, लालू के कितने बाल बच्चे हैं जी, नाइन, ज्ञान था कि नहीं था, फिलहाल तो नौ ही है, बात की बात देखा जाएगा। तो लालू हैज नाइन इशू, तो ये हो गया बाल बच्चे। इशू का मतलब मुद्दा, इशू मतलब मुद्दा, तो इशू मतलब मुद्दा, ये भी इशू होगा स्पेलिंग, इशू का मतलब मुद्दा, जैसे करप्शन इज अ ग्रेट इशू, तो मुद्दा ये भी होगा सिंगुलर, और इश्यूज ये क्या हो गया मुद्दे, तो ये हो गया प्लूरल, प्लस भर भी प्लूरल, इशू इशू इश्यूज, तो इशू हो गया सिंगुलर और इशू हो गया, हाँ बोलो, बाल बच्चा नेगेटिव है, नहीं तीन वर्ड है ना बेटा, इशू ये भी इशू, ये भी इशू, ये भी इशूज, तो इशू को इशूज कर दिया तो प्लूरल, मुद्दा, जैसे करप्शन मुद्दा है कि नहीं है, अब करप्शन कर दो, रॉबरी कर दो, नक्सलिज्म कर दो, ग्रेट इशूज कर दो, उसको दो चार मुद्दे मिला दो तो इशूज हो जाएंगे, एक है तो इशू है, ना 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 मुद्दा, तो वो वह वर्ब हो गया, वह निर्गत करना, वो क्या हो गया वर्ब हो गया, तो वही नाउन वर्ब बन जाता है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह बन जाता है ना,
आगे बढ़े हैं? उतार लो इसको आराम से। नाउन वर्ब, वर्ब नाउन, ये सब भी लगता है आपका पीछे क्लास छूट भी गया है। पीछे पढ़ाया था कि नाउन से वर्ब बन जाता है, वर्ब से नाउन ही बन जाता है। इस वजह से क्या लगेगा? मीनिंग, हाँ, मेनी, देयर आर मेनी इशूज इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं। अब देखिए अगला वर्ड है सबूत। समझिए, बड़ा बेसिक समझाया गया है। जैसे बोलते हो क्या सबूत है, तो सबूत का अंग्रेजी होता है विटनेस। यहाँ पे ऐसे डैश दे देना, ऐसे कर देना, ठीक है, विटनेस। और एक होता है एविडेंस, ठीक है। तो विटनेस यूज फॉर पर्सन, यानी विटनेस का प्रयोग किसके लिए करोगे? पर्सन के लिए। और इसका एक एग्जाम्पल है, राहुल इज द विटनेस ऑफ दिस केस। राहुल इस केस का क्या है? गवाह है। और एविडेंस का मतलब हो गया सबूत, लेकिन यूज फॉर थिंग्स, वस्तु के लिए। जैसे दिस वॉच इज एविडेंस फॉर दिस केस, या घड़ी इस केस का साक्ष्य है। तो ये हो गया साक्ष्य। एविडेंस कहीं क्या हो जाएगा? साक्ष्य। साक्ष्य व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं होता। यूज फॉर थिंग्स मतलब वस्तु के लिए। जैसे एविडेंस का प्रयोग करना वस्तु के लिए, विटनेस का प्रयोग करना व्यक्ति के लिए। कोई दिक्कत है? प्रूफ तो वर्ड ही अलग हो गया नहीं सबसे। जैसे क्या प्रमाण है, प्रूफ मतलब क्या होता है? प्रमाण। जैसे पानी है, क्या प्रमाण है? पानी ही है, मतलब लॉजिक। यहां पे लॉजिक नहीं है। विटनेस और एविडेंस ये सब आप जानते भी होंगे पहले से। द वॉच ऑफ दिस क्रिमिनल इज एविडेंस, यह क्रिमिनल की घड़ी क्या दर्शाता है? एविडेंस दिखाता है। जैसे बहुत सारे फोटोज में उस घड़ी दिखा जाएगा तो कहते एविडेंस हो गया। जैसे पहले का सिनेमा देखते होंगे, सिगरेट पीता होगा तो वहाँ से लोग पकड़ते, अच्छा ऐसा सिगरेट वही डॉन पीता था, दबोच लिया गया, तो वहाँ पे क्या हो गया? साक्ष्य हो गया। बहुत ही बेसिक है, पढ़ेंगे तो आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे, अभी आप, मैं एक लैंग्वेज का बुक तैयार करवा रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे उसको तो बड़ा मज़ा आनंद आएगा आपको। हाँ जी, मुद्दे नहीं, मुद्दा तो एक दो काउंट करते हैं ना, एक मुद्दा, दो मुद्दा, कितने मुद्दे तेरे पास है? चार मुद्दे हैं सर। कौन कौन है? पानी का मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा। मुद्दा का मतलब प्रॉब्लम नहीं, तब एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो जाए? कोई आपत्ति यहाँ तक आगे बढ़े? अगला कॉन्सेप्ट है वर्क। वर्क को समझिए पहले बढ़िया से। वर्क कहता है, देखो बेटा वर्क का मतलब हो गया काम। अगर वर्क काम है तो ये सिंगुलर होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आई हैव वर्क, आई हैव ए वर्क नहीं होगा, आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होगा, ठीक। और वर्क को यहाँ पे दो तरह से करना पड़ेगा, वर्क रचना, अभी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कैसे? समझिए गौर से। कैसे सर? तो अब इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्या, ऐसे कर लीजिए इसको, वर्क में तीन खींच दीजिए, वर्क वर्क वर्क्स। इसका मतलब कर दीजिए काम, इसका मतलब रचना, इसका मतलब रचनाएं। रचनाएं, ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। वर्क का मतलब काम, वर्क मतलब रचना, और वर्क्स मतलब रचना, ऐसे कर लीजिए इसको। जब काम हो जाएगा तो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, वर्क रचना तो भी सिंगुलर, और वर्क्स प्लूरल रचना है। गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, तो गोदान किसका रचना है? प्रेमचंद का। अब गोदान तीन चार किताब मान लो और लिख दिया, गोदान, भूदान, प्रेमदान, वर्क्स ऑफ प्रेमचंद था नहीं, मैं ऐसी नाम बता दिया, मेन गोदान मुझे पता था, ठीक है ना, लेकिन मान लो तीन चार पांच होता तो हो जाता वर्क्स, हो जाता है ना, ये ध्यान देना।
नाउन में लिखना बहुत है, अब जो आर्टिकल वगैरह आएगा ना उसमें लिखना कुछ है ही नहीं, बस देखते रहोगे दिमाग में जाता रहेगा, बहुत कम लिखना है। नाउन फैक्चुअल ज़्यादा है इसलिए लिखना ज़्यादा है। तुम ये मान लो कि नाउन ही पर पढ़ना ही, आगे तो सब खिलौना है। नाउन पढ़ लिया, ग्रामर खत्म। ठीक है जी, कहाँ लिखा, गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद, सिंगुलर हो गया यहाँ पे। रचना समझ में आ गया, काम तो पता ही, पढ़ाई दे एग्जाम्पल ही, आई हैव वर्क कार्य, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, आगे आ जाइए जीनियस में। जीनियस देखिए गौर से, जीनियस, जीनियस पता होगा सबको, बुद्धिमान होता है। यहाँ कर देंगे जीनियसेस, GENIUS जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो गया जीनियसेस। जीनियसेस का मतलब हो गया एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले लोग, है ना जी। सिंगुलर तो ये ना हुआ, ये जीनियसेस प्लुरल हो गया। अब जिन्नी क्या है सर, तो जिन्नी में डबल आई है, भूत, पिशाच, चुड़ैल, भूत, है ना, हनुमान सेव्स फ्रॉम जिन्नी। अब जिन्नी का स्पेलिंग ऐसे भी होता है और GENIIS भी होता है, दोनों सही है। हाँ, यानी भूत भी जीनियस होता है। अब समझो ना भाई, सरदार पटेल, जेल, नेहरू, महात्मा गांधी, वर जीनियसेस, आज क्या बन गए जिन्नी, है ना। तो जीनियसेस का मतलब मोर देन वन टैलेंटेड पर्सन, एक सदी कुशाग्र बुद्धि के लोग को हम बोलते हैं जीनियसेस। तो लगाया नहीं जिन्नी, या तो बर्ड वहां भी लिखवाया था, नाउन भी पढ़ा था, यूएस वाला आई लगाते हैं तो वही तो लगाया है आई। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ो बेटा, हॉट टिप्स पढ़ो, हॉट टिप्स, एक्स्ट्रा ज्ञान, कोई दिक्कत है क्या। तो जीनियस तक हो गया हम लोगों का, हनुमान सेव्स फ्रॉम जिन्नी, हनुमान बचाते किससे हैं जी, भूत से। अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ ठीक से, अभी देखो क्लास आगे बढ़ेगा, देखो और आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ते आराम से लिखते रहिए। देखिए अगला वर्ड हनुमान वाला हो गया ना, अगला वर्ड है वेजेस, देखिए गौर से, अगला वर्ड है वेजेस, समझिए गौर क्या कहता है। वेजेस का दो हिंदी है, एक मजदूरी और एक सजा या दंड। ये पता है किस पर चलेगा, ये जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तब दिखेगा। अब वेजेस का हिंदी मजदूरी तो हो जाएगा प्लूरल, वर्ब क्या लेगा प्लूरल। एग्जाम्पल दिया, द वेजेस आर, वन नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए टाइपिस्ट, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा द वेजेस आर, ए आर ई, द वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली, क्योंकि वेजेस हो गया प्लूरल तो वर्ब क्या लिया प्लूरल, द वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली, यानी दिल्ली में मजदूरी बहुत ज्यादा है। सजा या दंड तो क्या हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर। एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो, द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ। अब देखो यहाँ पे सीन का हिंदी होता है पाप, पाप, तो पाप, अब यहाँ पे ऑफ्स पर हो गया सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार क्या ले लिया इज, तो पाप की सजा क्या है मृत्यु है, मौत है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया सजा या दंड। क्या पति आगे बढ़े, 12 तक हो गया बेटा, बहुत ही बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सा टेस्ट लेता हूँ, जो आपने अब तक पढ़ाया, दो चार क्वेश्चंस बोर्ड पे दे रहा हूँ,
तो उसको आप दिखने का प्रयास करना, राइट रॉन्ग बोर्ड पे करना, आई होप उसको करेक्ट लिख लिया। नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, अब तो चला गया, वापस नहीं आएगा। द वेजेज ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सिन एस आई एन इज डेथ, है ना। अब देखिए यहां पे दिया है कॉमन टेस्ट, कॉमन टेस्ट है जी, थोड़ा सा देखना आप लोगों को बोर्ड पर ही, और हाथ उठाना है फर्स्ट सेंटेंस, या यू शुड राइट, नहीं होगा यू शुड राइट हो, यू शुड राइट इट इन योर कॉपी। दूसरा है पुट योर साइन हेयर, इज देयर एनफ एनी प्लेस फॉर मी इन द कार, प्लीज गिव मी टू पेपर ऑफ पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। अब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं गौर से कि यू शुड राइट इन योर कॉपी। अब यहां समझना क्या चीज है, कॉपी एक वर्ब है, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। ठीक, अगर इसे तुम नाउन बनाना चाहते हो तो कॉपी के साथ बुक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या बोलना पड़ेगा नोटबुक। जैसे आपके पास अगर कॉपी होगा बाजार वाला तो चेक करिए, उसमें लिखा होगा नोटबुक चाहे कॉपी बुक, ठीक है, तो आप नहीं कह सकते यू शुड राइट इन योर कॉपी। नाउन आएगा तो आ गया, गया वर्ब, तो गलत हुआ ना। तो कॉपी वर्ड गलत है बेटा, कॉपी वर्ड क्या है, गलत है। जैसे बोल दिया प्लीज एक्सक्यूज माई कम, एक्सक्यूज माई कम, तो कम क्या है, वर्ब है ना, होना क्या चाहिए नाउन, तो कम को ऐसा क्या करें कि नाउन बन जाएगा, तो कमिंग करना पड़ेगा, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग, प्लीज एक्सक्यूज माई गोइंग, उस प्रकार कॉपी वर्ब हो गया। तो इसको नाउन कैसे बनाएंगे, कॉपी बुक या नोट बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू आप बनाओगे, क्या सही होगा, पुट योर शाइन हेयर सिग्नेचर हेयर, सिग्नेचर हेयर, तो शाइन की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, पढ़ाया हुआ है ना। तीसरा बनाएंगे आप, इज देयर एनफ प्लेस फॉर मी, इज देयर एनी प्लेस, यानी बहुत सुंदर, यानी जिन्होंने बच्चों ने रूम करा है बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस के स्थान पे रूम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिया है प्लीज गिव मी टू पेपर और पेपर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, पेपर मांग रहा है किसके लिए, लिखने के लिए, और कितना मांग रहा है, टू, अब पेपर वर्ड है सिंगुलर, तो यहाँ पे टू शीट बोलना पड़ेगा, टू शीट ऑफ पेपर्स, कलेक्टिव बनाने के लिए, क्या बेटा, हाँ तो शीट्स कर दो ना, टू शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, टू राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, क्या होगा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, बताइए राइट है कि रॉन्ग है, देखो होम और हाउस में कोई अंतर नहीं है, क्यों, क्या अंतर है, बढ़ाया था पिछली क्लास में, हाउस का मतलब बस इतना ही होता है कि बिल्डिंग और प्रायः घर, और होम का मतलब जहाँ लगाव हो, तो घर पे काम है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब वर्क क्या है भाई, काम, ठीक, अब काम है नाउन, तो ये जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, एन का। अब प्रश्न उठता है कि जब ये काम है और है क्या, है अनकाउंटेबल है, अब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ अगर तुम काउंट टेबल बनाना चाहते हो किसी भी अनकाउंटेबल को, तो उसमें बताया था याद करो, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ बीट ऑफ वर्ड जोड़ते हैं, याद आ रहा है, जैसे वाटर है
तो वाटर को भी हम काउंटर बना सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, याद आ रहा है ना। ब्रेड, तो आई ईट टू ब्रेड्स, नहीं हो सकता, आई ईट टू पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है। उसी प्रकार वर्क है तो बोलना पड़ेगा आई हैव, है ना, अ पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है। इस तरह से बोलना, देखिए मैक्सिमम लोग बोल देते हैं अर्जेंट वर्क है, गलत हो जाएगा, ठीक है। या बोलना पड़ेगा आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट पीस ऑफ, यहां पर जोड़ दीजिए पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी आपको वर्क अनकाउंटेबल अगर है तो उसमें पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ बीट ऑफ, ये सब वर्ड जोड़ना पड़ेगा। पढ़ा दिया था ये बात, नहीं पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, ये कर लिया आपने, तो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, पी आई ई सी, पीस ऑफ वर्क, ठीक है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा दे तो दिया है आंसर, आंसर दे दिया है जी। आई, ये तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये वाला गलत, और ये वाला दे तो दिया है। हेलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोगों का, हाउ मेनी फ्रूट्स, चलो आंसर भी दे दिया लेते, है ना, हाउ मेनी फ्रूट्स डू यू ईट टिली, तो ये गलत हो गया, क्योंकि फ्रूट फल होता है, फ्रूट्स परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, तो हाउ मच फ्रूट, है ना, फ्रूट का मतलब फल और फ्रूट्स का मतलब परिणाम, कोई आपत्ति, बहुत सुंदर। अब क्या है, यहां तक हमने पढ़ाया, नाउन का एक क्लास हम लोगों को और देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लिखवाऊंगा तो हाथ कांपना शुरू कर देगा, बस लिखने की भी सीमा होगी ना। कहाँ वाले, नीचे वाले में, अभी तुम कॉपी पलटो और देखो कि सर ने फ्रूट का हिंदी क्या लिखवाया है, फ्रूट का हिंदी फल और फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट खाते हो या फल खाते हो, फल खाते हो ना, तो फ्रूट्स की फ्रूट नीचे कर लीजिए, ठीक है। अब जो है आज थोड़ा सा बेसिक वालों को क्लास लूंगा, 5-7 मिनट आज, 5-7 मिनट जो बेसिक जिनका पढ़ा रहा था, तो जिनका अंग्रेजी में बेसिक कमजोर होगा वो 10 मिनट बैठेगा मेरे साथ अभी, क्योंकि आज 10 मिनट थोड़ा सा क्लास लूंगा उनका, बेसिक थोड़ा सा चेक करूंगा, बेसिक क्या इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा कुछ टेक्निक ट्रिक्स बताऊँगा क्या बेसिक हो रहा है, क्या आप करे हो चेक करूँगा। 1 से 2 दिन में बेसिक किताब जो हैबिट पर बताऊँ पढ़ने के लिए, वही बन के तैयार हो जाएगा, तैयार हो गया ऑलमोस्ट, और उसको थोड़ा सा प्रूफ करवा रहा हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा ना बेटा, थोड़ा प्रूफ वगैरह कर लूँ कहाँ स्पेलिंग इसलिए मिस्टेक हो। हाँ बेटा बोलो, नीचे हो गया, ऐसे नीचे, और ये वाइट नहीं राइट होगा, यहाँ पे राइट बोलो, पूछते रहो मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पे एनफ, अच्छा प्लेस कहाँ पे, नहीं 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 बता दो, था ना स्पेस ना प्लेस, सीधा रूम यूज करिए, मैं समझ गया, देयर इज सीट भी नहीं हो सकता, सीट बैठने के स्थान को कहते हैं, की जगह को कहते हैं, ये फ्रेज होता है, पता क्या नो रूम जो है ना वो फ्रेज है, इसके तो जगह खाली नहीं होना, इसलिए हम रूम का प्रयोग करते हैं, प्लेस स्पेस यूज नहीं करते, ग्रामेटिकल है, बोल चाल में कर देते हैं। हाँ बोलो, ये वाला हाँ तो कर सकते, पेपर का हम लोग सीट नहीं मांगते हैं, 2 सीट दे दो तो ज्यादा बोल चाल में प्रयोग होता है, बाकी तो बहुत सारे वर्ड है, बीट ऑफ, लिटिल, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक कॉपी की जगह कॉपी बुक कर दीजिए या नोटबुक कर दीजिए, साइन की जगह सिग्नेचर कर दीजिए, अभी नाउन का एक क्लास और चलेगा, लेकिन अगला क्लास बहुत खतरनाक हुआ कल वाला, यानी कल वाला क्लास मिस मत करना धोखे से भी,
कलर क्लास हाईली मॉडिफाइड होगा थोड़ा सा। अब जो भी क्लास बच रहा है नाउन का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो अब पढ़ाऊंगा आज के बाद से, वो हूबहू एग्ज़ाम में वैसे ही पूछा जाएगा। जितना पढ़ाया बेटा, नाउन फैक्चुअल है, एज अ वोकैब ही है, तो इसको ध्यान रखिए, डेली यूज में काम आएगा। नाउन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आइडियाज लगता जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नाउन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। दो चैप्टर ज़्यादा पढ़ना होता है शुरुआत का, एक नाउन और एक टेंस। टेंस भी ज़्यादा पढ़ना होता है, उसमें भी 15-20 क्लास पढ़ाता हूँ। नाउन भी लगभग 8-10 क्लास हो ही गया होगा, है ना। तो नाउन थोड़ा ज़्यादा होता है, टेंस हो जाए, दो चैप्टर पे कमांड कर लो, इंग्लिश कमांड हो जाएगा। इसे दोनों को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। अब चलिए बेसिक वाले बच्चे रुकेंगे, टेस्ट टेस्ट कल ही करवा देता हूँ, कल देखता हूँ, कल जो है ना नाउन ख़त्म करके टेस्ट कल ही करवा देता हूँ। कल आज टेस्ट कितना है, एक ही करना है ना। टेस्ट नंबर कितना, 10। आज कितना मिला है, 11। तो 10 और 11 दोनों टेस्ट कल ही करवा देता हूँ, ठीक है ना। 11 और 10 कल ही हो जाएगा टेस्ट, जो मिला है लेते आइएगा, सब वो टेस्ट बना कर आइएगा। बेसिक वाले बच्चे रुकेंगे, जो बेसिक पढ़ाते हैं थोड़ा सा उनको दिमाग दूंगा एक्स्ट्रा, लोन ऊपर कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, प्लीज गिव मी टू शीट ऑफ पेपर्स कर दो, टू शीट ऑफ पेपर्स नहीं, पेपर, टू शीट ऑफ पेपर कर दो। टू शीट ऑफ पेपर, दोनों से, जिन्नी भी होता है, जिन्नी भी होता है। हाउ मच फ्रूट होगा, फ्रूट्स नहीं होगा, हाँ ठीक है। चलिए ये सारे बच्चे बेसिक वाले हैं, और ऊपर करूं, हाउ मच अनकाउंटेबल है, तो फ्रूट आ गया। आई हैव ए वर्क नहीं होगा, वर्क अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ए एन नहीं लेगा आर्टिकल। क्या है, क्लास के बाद ना करूंगा, अभी बैठो, बेसिक क्लास चलेगा। ठीक है, अब सुनिए गौर से, चलो पहले लिख लो सारे बच्चे, लिख लिया बेटा, हटाऊं इसको, चलिए हटा दूं ना। अब देखिए, जिनका भी बेसिक क्लास है, आज कुछ टेक्निक दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से काम चलेगा। तो पहले बेसिक किताब निकालिए एक सेकंड के लिए, यस, ये बेसिक किताब है, समझिए गौर से। अब आज से क्या करना है आप सबों को समझिए, आज से, फ्रॉम टुडे, आपने प्रैक्टिस क्या किया नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने आपको टास्क दिया था, नहीं दिया था, दिया था ना टास्क, कि बेटा प्रैक्टिस करना, अच्छी बात। यानी हमने कहा था कि बेसिक ऊपर लिखा है, नीचे भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप साथ साथ इसको, होता क्या है, पकड़ो, अब मैं सिखा रहा हूँ बोर्ड पे। एक्चुअली है क्या, व्यवहारिक ज्ञान समझिए, इंग्लिश कमज़ोर क्यों मानते हैं हम लोग अपने आप को, बिकॉज वी आर अनेबल टू राइट एनीथिंग एल्स, वाट एवर कम्स इन अवर माइंड वी आर नॉट एबल टू राइट समथिंग, कुछ दिमाग में आता हम लिख नहीं पाते, दैट्स वाई वी थॉट आवर इंग्लिश इज पुअर। समटाइम्स वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, इफ वी गेट सम पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर एटमोसफेयर, वी आर अनेबल टू स्पीक इन पर्टिकुलर टाइम, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इफ ट्राई टू रीड न्यूज पेपर्स, वी आर अनेबल टू गेट पर्टिकुलर मीनिंग्स, राइट, समझ नहीं पाते क्या कहना चाह रहा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग की समस्या, राइटिंग की समस्या, स्पीकिंग की समस्या, राइट। अब इसका बेस्ट वे क्या है, हमने पहले भी कहा था कि इसका बेस्ट वे है कि आप अंग्रेज के साथ रहें। द इजिएस्ट एंड बेस्ट वे टू लर्न एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज,
बस मेरे द इजिएस्ट एंड बेस्ट वे टू लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज टू लीव नेटिव स्पीकर्स टू लीव दोज पीपल हु नोज दैट लैंग्वेज वेरी वेल. अगर इंग्लिश सीखना कोई भी भाषा सीखना चाहते हो तो आप उसके साथ रहो जो भाषा का ज्ञाता हो. बट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द इंडियंस. यानी ये अपॉर्चुनिटी संभव नहीं है. कहां से पढ़ रहे अंग्रेज चल मेरे साथ रहे संभव नहीं है. तो ये अपॉर्चुनिटी संभव नहीं है. तो इसका तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका यह है कि हम लोग के दिमाग में हिंदी आता है क्लियर. अब उसी के माध्यम से उसको मात देना है. समझो आज थोड़ा सा अंदर की बता रहा हूं जड़ की बात. उसी की भाषा में उसको मात देना है. अब मैं कहूंगा कि थिंक इंग्लिश ईट इंग्लिश राइट इंग्लिश स्पीक इंग्लिश नेवर पॉसिबल. ये संभव ही नहीं. क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारा सराउंडिंग्स जो है 24 घंटे में से 28 घंटे तुम हिंदी क्षेत्र में है. सोते जागते फोन तोन माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड फ्रेंडा सब शुद्ध हिंदी में है. अब शुद्ध हिंदी है और आउटपुट चाहते क्या है? इंग्लिश. जो संभव नहीं. अब संभव कैसे वो समझिए. आज से टिंग दे रहा हूँ करने का प्रयास करना. सबसे प्रयास ये करना है बेटा कि आप जैसे खड़े हो तो ना तो होना चाहिए कोई मिरर, क्योंकि मिरर में आप फ्रस्ट्रेट कर जाओगे. अकेले व्यक्ति क्या करे. तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए. अभी नहीं, अपने स्टैंड पे घर पे खड़े हो जाना, सिखा दूंगा. एक्चुअली क्या है कि सैटरडे के दिन एक क्लास में वीक में या मंथ में एक दिन दे दूंगा टाइम, जिसमें आपको बेसिक और इन्हांस करवा दूंगा. लेकिन अभी थोड़ा बेसिक आपका कुछ हुआ नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा हूँ. लेकिन अभी बेस स्ट्रांग कर दूँ. जैसे बेसिक किताब आपका है, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा बेसिक ख़त्म कर दिया है? हाँ उठाइए. एक बच्चा उठा रहा, दो तीन, पूरा बेसिक पढ़ लिया. यानी तीन चार बच्चा बेसिक पढ़ लिया है. अच्छा ये बताओ बाकी बच्चे को नहीं कहा था पढ़ने? हाँ उतना पढ़ लिया. अब अच्छी बात, अब जितना बड़ा था पढ़ लिया उतना अच्छी बात. चलो तुम खड़े हो जाओ. नाम बताओ. वंदना. अच्छी बात है. अब देखिए मैं वंदना को ले रहा हूँ यहाँ पे. अब वंदना अपने आप में क्या है? आए. अब वंदना आज से मैं नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी? आए. वंदना के सामने होगा यू, वंदना के इधर होगा ही, इधर होगा शी, इधर होगा दे और ए होगा वी. बस मैं बात को वंदना क्या होगी? ही दाएं साइड, बाएं साइड, पीछे वी. अब ये भाषा समझिए क्या है. जब आप खड़े होते हैं तो आप में एनर्जी आती है, बैठे रहते हैं लेथार्जिक बन जाते हैं. बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है? लेथार्जिक. लेजी से ज़्यादा कामचोर को लेथार्जिक कहते हैं. लेजी तो हल्का फुल्का काम चल भी जाता है, लेकिन जो लेथार्जिक होता है वो किताब पढ़ता है ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे. बिस्तर पे आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो सोचते हो कि ये फटा तो पी लो, यहाँ लेते हैं ऐसे. ये लिया जहाँ अगले 3 से 4 मिनट के अंदर, हाँ नहीं 3-4 घंटे ना हो लेकिन फिर भी तुम लेट जाते हो. बात समझ गए ये बात. अब आज से क्या करना है तो आपको 6 वर्ब लेना. ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट मुझे मेरा. 6 वो कैब, और वो कैब में लेना वर्ब लेना है. क्या लेना है? वर्ब. अब वर्ब तुम कुछ भी ले लो, उसके लिए हमने टेंस का किताब दिया हुआ है, टेंस का बुक दिया हुआ है. अब टेंस का बुक दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल में पढ़ा रहा हूँ, समझने प्रयास करना आपको. अब सबसे पहला काम समझना है कि बेसिक स्ट्रांग हो, इसके लिए कुछ लाइन समझ में तब आएगा जब कुछ बोलना आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा. अब कॉन्फिडेंस के अभाव में हम पढ़ भी नहीं पाते. मैं लाख समझाऊं लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो तुमको पढ़ने मन नहीं लगेगा. तुम पढ़ रहे हो समझ में नहीं आएगा ना, तुम लाख पढ़ो मैं लाख तुमको मोटिवेट करूं, तुम छोड़ देगा पढ़ना. 2 से 3 दिन ये दिमाग प्रयास करता है, 4th दिन ये मन कहता है कि बकवास है धर्मेंद्र सर छोड़ो, कोई काम का नहीं, कहीं और प्रयास करते हैं. और हम लोग भटकते रहते हैं कोचिंग से कोचिंग,
ए कोचिंग गए, वो कोचिंग गए, और जब कहीं समझ में नहीं आता सोचते अंग्रेजी मेरे बस की है ही नहीं, नौकरी मेरे बस की है ही नहीं, छोड़ दो कोई और काम कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो? सच्चाई बताऊं इंग्लिश सबसे आसान भाषा है, मैं अंदर की बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस दो लाइन समझने से आता है, बोलने से, लिखना आएगा तो आ जाएगा। अब क्या है, किसने बोला आए, अब हमने एक वर्ड लिया, सुने फर्स्ट हमने बोला एक वर्ड लिया हमने गो, मान लेते सबसे आसान वर्ड है गो, सबको आता होगा। अब ऐसे वो कैब हमने तुमको पूरा दिया हुआ है, लिस्ट दिया है ना, उस वो कैब के लिस्ट को आपको 6 वो कैब डेली याद करना है, और खड़ा होके 6 × 6 कितना हो गया जी, 36 सेंटेंस बोलना है एक बार में, और कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर 36 सेंटेंस। अब देखो हमने बोला आई गो, आई यू ही नहीं, ही गोज, ही के साथ गो नहीं लगाना, ही किताब पढ़े होते तो गोज लगाते आप, तो ही शी दे वी गो। अब समझा मुद्दा क्या हुआ, सो अब क्यों ऐसा हुआ, तो अब जब से सिंगुलर और प्लूरल कौन से, जितने भी डिक्शनरी में वर्ब होते हैं सारे होते हैं प्लूरल, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं प्लूरल, और दुनिया में जितने होते हैं सब्जेक्ट सब होते हैं सिंगुलर, तो इन दोनों को एग्रीमेंट करवाते हैं, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं एग्रीमेंट। तो आपको यह समझना है दो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा चुका हूं पहले भी, कि सब्जेक्ट और वर्ब का खेल समझ गया अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, बैठ जाओ तुम थक जाओगे। सब्जेक्ट जन्म से क्या होता है और वर्ब जन्म से क्या होता है प्लूरल, क्लियर। इसमें लगाओगे एस या ईएस तो ये बन जाएगा प्लूरल, और इसमें लगाओगे एस या ईएस तो ये बन जाएगा सिंगुलर। जैसे तुम बोलते हो गो, गो क्या हुआ और गोज क्या हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने बोला राम, राम क्या हुआ और राम एंड श्याम क्या हो जाएगा प्लूरल। यहां बोलते हैं बॉय, बॉय क्या हुआ और बॉयज क्या हो गया, समझ में आता। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा इसी कौन से। और 4 वर्ड रखना है, कौन कौन सा, आई वी यू और दे, ये लिखवाया होगा पर्सन में, मात्र ये 4 ही वर्ड होता है प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल। तो ये सबके साथ क्या लगेगा गो, और ये सबके साथ बाकी जो बच गया क्या लगेगा, तो वंदना गो की गोज गोज, ठीक है। ऐसी लिया हमने लाफ, क्या लिया लाफ, अब बोल के दिखाओ, जब ऐसे ऐसे करोगे तो मजा भी आएगा लगेगा, कुछ काम भी हो रहा है। बस समझ पा रहे हो? तो आज से कोशिश करना कि पहले एक प्रेजेंट वाला, जो प्रेजेंट का टास्क दिया था ना, तो प्रेजेंट वाला का 6 वर्ड लेना, मान लो ही नहीं पता है तो ही के बारे में, ही पता है कि लैप्स हो जाएगा, तो ही के बदले कुछ नाम ले लो, वंदना माय फादर माय मदर माय ब्रदर, समझ पा रहे हो ना, माय टीचर माय फ्रेंड, ठीक है। उस तरह से बोलो दे बहुत सारे लोग, वी हम सभी लोग, इस तरह से आप कोशिश करिए अकेले बोलने का, क्योंकि ये सब काम किसी सामने करेंगे तो पागल समझेगा, इसलिए कोशिश करिए कि आप अकेले ही बोलिए, और जरूरत पड़े तो अपने पार्टनर को भी शामिल करा लीजिए। और कितने देर करना है सर, तो 1 मिनट में 36 हो गया, तो अगर 10 मिनट कर लिया तो 10 वो कैब भी याद हो गया, और यह भी दर्द करेगा, और 10 मिनट बोलेंगे तो मजा भी आएगा, और 10 वर्ड भी सीखा, और यह स्ट्रक्चर पूरी तरह क्या होगा याद हो जाएगा, ठीक। एक टेंस एक दिन में, 12 दिन में 12 टेंस, काम तमाम है, फिर आपका बेसिक, फिर अगला चरण पढ़ाऊंगा क्या होता है, बस मैं बात को। तो ये किताब को फॉलो, जो किताब दिया गया है इस बुक को फॉलो करिए, है ना, और इस बुक में जितने भी वो कैब दिए गए हैं उसको फॉलो करिए। वर्ब का लिस्ट नहीं पता तो वर्ब का लिस्ट टेंस की बुक में पड़ा होगा वहां से ले लीजिए, लेकिन वो कैब आप लीजिए, इससे क्या होगा डेली यूज वो कैब पता चलेगा और काम भी चलेगा आपका। बात समझ में आया सबको? तो यह किताब जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा, और कोई दिक्कत हो मुझसे मिलेगा,
क्लियर। और क्लास के बाद हर दिन, अभी मैं टेस्ट आज भी नहीं लिया आप सबको, बेसिक टेस्ट, यानी ये टेस्ट जो बच्चा होगा यहाँ बुलवा के मैं चेक करवा लूँगा, ठीक ना। तो आज भी मौका दिया है, किसी का टेस्ट नहीं लिया, किसी को इंसल्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अगर कल या परसों मैं यहाँ बुला लूँ आपको, वहाँ पर खड़ा कराऊँगा और बोलूँगा और वर्ब दूंगा मैं, और गलती करोगे तो डंडा लगेगा, बस मैं बात को, इसलिए कॉन्फिडेंस मत रहना क्या रे, हमको तो बोल देंगे सी गोज ही गोज होता है, अरे गो तो याद है तो हो जाता है, लेकिन नए नए वर्ड दूंगा थोड़ा और बड़ा सुन इसको बनाने को, खाली जाने से काम चल जाएगा। मैं बोल दूंगा कि वह रोज वहां पढ़ने जाता है, अब बताओ, बस मैं बात को। तो कहने का सेंस है कि किताब से प्रैक्टिस करके भी आइएगा और साथ साथ काम करिए, धीरे धीरे करना आ जाएगा, ठीक है, करोगे तो कल मिलें फिर से। थैंक यू। लाइए राइटिंग चेक करवाइए सब लोग, राइटिंग राइटिंग चेक करवाइए।